हेलो दोस्तों, क्या तुम जानते हो धरती पर अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। इन जानवरों को कई भागों में बांटा गया है, जिनमें कुछ जंगली जानवर होते हैं तो कुछ पालतू जानवर होते हैं। आओ बात करें जंगली जानवरों के बारे में। तुम सोच रहे होगे कि जंगली जानवर क्या होते हैं। जंगली जानवर वैसे जानवर होते हैं जो प्रकृति की वादियों में गैर पालतू क्षेत्र या जंगल में रहना पसंद करते हैं। इस तरह के जानवर केवल जंगल में रहते हैं। आओ जानें उन जंगली जानवरों के नाम। ये है टाइगर, इसे हिंदी में बाघ कहते हैं। टाइगर के बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, यह दूसरे जानवरों को खाता है। यह बहुत स्ट्रांग होता है। ये है लायन, जिसे हिंदी में शेर कहते हैं। शेर जंगल का राजा होता है। शेर पूर्ण तरह से मांसाहारी होता है। पुरुष शेर का वजन 150 से 250 किलोग्राम होता है। ये है जिराफ। जिराफ की गर्दन बहुत ऊंची होती है। यह लंबे लंबे पेड़ों की पत्ते खाता है। ये है बैड, इसे हिंदी में भालू कहते हैं। दुनिया भर में भालू की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भालू के शरीर पर बहुत घने बाल होते हैं। ये है फॉक्स, जिसे हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है। यह सभी चीजें खाने वाले सर्वाहारी जानवर होते हैं। ये है जैगुआर, इसे हिंदी में चीता कहते हैं। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है। इसकी गति सबसे अधिक होती है। यह है रेनडियर, इसे हिंदी में बारहसिंगा कहते हैं। यह बर्फीले इलाकों में पाया जाने वाला हिरन है। यह है पैंडा, पैंडा एक भालू का रूप ही माना जा सकता है, लेकिन यह सफ़ेद और काले रंग का होता है। पैंडा ज़्यादातर बर्फीले इलाकों में मिलता है। यह है हिप्पोपोटामस, जिसे हिंदी में दरियाई घोड़े कहते हैं। दरियाई घोड़े पानी में रहना बहुत पसंद करते हैं। यह है जीब्रा, जीब्रा के शरीर पर सफ़ेद और काले रंग की धारियां होती हैं। यह घास भूसा खाता है। पूर्ण तरह से शाकाहारी होता है। यह है कैंगारू, कैंगारू को हिंदी में कंगारू कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यह है हाइना, इसे हिंदी में लकड़बग्घा कहते हैं। हाइना ज़्यादातर मरे हुए जीवों को खाते हैं। यह है एलिफेंट, इसे हिंदी में हाथी कहते हैं। हाथी की अनेक प्रजातियां होती हैं। यह धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव है। यह है ऑटर, इसे हिंदी में ऊदबिलाव कहते हैं। ऊदबिलाव जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। यह है एल्क, जिसे हिंदी में गोजन कहते हैं। इसका शरीर मोटा, पैर पतले और पूंछ छोटी होती है। यह है मंकी, जिसे हम हिंदी में बंदर कहते हैं। यह बहुत चालाक होते हैं। एक बंदर दूसरे बंदर से इशारों में बात करता है। यह है मंगूस, जिसे हिंदी में नेवला कहते हैं। नेवला ज़्यादातर सांपों का दुश्मन के रूप में माना जाता है। दुनिया के लगभग सभी देशों में यह पाया जाता है। यह है चिंपैंजी, जिसे हिंदी में चिंपैंजी ही कहते हैं। चिंपैंजी बिल्कुल मनुष्यों की तरह समझदार होते हैं। यह है वाइल्ड कैट, जिसे हिंदी में जंगली बिल्ली कहते हैं। जंगली बिल्लियाँ आमतौर पर भूरे रंग की होती हैं। इनकी पूंछ घनी होती है और पूरे शरीर पर काले रंग की धारियां बनी होती हैं। यह बहुत खूंखार होती हैं।